ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की एक थ्योरी के बारे में, और ये थ्योरी रेडिट से निकल के आई है। मुझे इस थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा दम लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस थ्योरी को शेयर कर दूं। बट ये सिर्फ एक फ़ैन थ्योरी ही है, जिसे कुछ लीक्स और स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से कनेक्ट करके बनाया गया है, तो इसे बहुत सीरियस मत लेना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप सिर्फ मूवी को एंजॉय करना चाहते हो फ़ैन थ्योरी से दूर रहकर, तो आप इस वीडियो को यहीं से क्विट कर सकते हो। सो मिस्टर फ्लेम चैनल से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी इमीडिएटली शुरू होती है फार फ्रॉम होम के इवेंट से, जहां पर पीटर की आइडेंटिटी मिस्टीरियो ने पब्लिकली रिवील कर दी थी। तो हमें दिखता है एक साइन जो होता है वेस्ट 33rd स्ट्रीट का, और ये पेंसिल्वेनिया स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड पर है, और ये सेम वही जगह है जहां पीटर फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के टाइम होता है। पीटर वहां से जंप करता है एमजे के पास उससे बात करने के लिए, बट तुरंत ही वहां बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होने लगती है, जो कि अपने फोन से पीटर को रिकॉर्ड करके अपने रिएक्शंस को पोस्ट कर रही होती है। ये सभी चीजें देखकर पीटर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें उसके लिए नहीं है, और वो एमजे को लेकर वहां से स्विंग करके निकल जाता है। पीटर स्विंग कर ही रहा होता है कि टाइम स्क्वायर के एक बहुत बड़े डिजिटल बोर्ड पर उसका फेस अपीयर होता है, वो भी सेंट्रल स्क्रीन पर, और ये प्रोबेबली वो सीन होगा जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है। पीटर तुरंत स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो मिलता है नेट एमजे और फ्लैश से। फ्लैश पहले से ही स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है, जैसे कि हम पिछली स्पाइडरमैन मूवी से देखते आ रहे हैं, बट वो पीटर को पसंद नहीं करता है, और वो अक्सर स्कूल में उसे बुली किया करता है। तो फ्लैश काफी ज्यादा शॉक में होता है, बट सून उसे ये रियलाइज होता है कि पीटर एक अच्छा इंसान है, और वो उसकी इस साइड को ज्वाइन कर लेता है। जो एक्टर एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज में फ्लैश का रोल प्ले करते हैं, यानी टोनी रेवोलरी, उनके हेयर इस समय ब्लीच्ड ब्लॉन्ड है, जो कि फ्लैश के कैरेक्टर का कॉमिक काउंटर पार्ट शो करता है। के बाद पीटर को इंटरोगेट किया जाता है, जहां उसके एक हाथ में हथकड़ी पहना दी जाती है, जैसा कि हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं। पीटर इजीली उन हथकड़ी से निकल सकता है, बट वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो उस ऑफिसर को सेफ फील करवाना चाहता था, क्योंकि फिलहाल तो सब यही मानते हैं कि पीटर एक क्रिमिनल है। इसके बाद पीटर इनोसेंट प्रूफ हो जाता है, और लोगों को ये पता चल जाता है कि मिस्टीरियो के ग्रुप ने उस वीडियो को इस तरह अपने एडवांटेज में चेंज किया था कि लोगों को लगने लगे कि स्पाइडरमैन ही असली क्रिमिनल है। सो फाइनली पीटर का नाम क्लियर हो चुका है, बट अब उसे इसी तरह रहना होगा, जहां पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर वापस से स्कूल जाता है, जहां पर काफी लोग उसे घेर लेते हैं। इसके बाद पीटर और एमजे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं रूफटॉप पे, जहां पीटर कहता है कि वो पूरा दिन यहीं पर रहना चाहता है, और एमजे न्यूज़पेपर को रीड करके उसे एक न्यूज़ सुनाती है कि स्पाइडरमैन के पास एबिलिटी है कि वो फीमेल को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। ये चीज हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली है, और इस सीन के पहले भी हमें पीटर और एमजे के काफी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। नो वे होम मूवी समर से लेकर ऑटम और विंटर तक काफी सीजन्स पर होने वाली है। विंटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें एक बिहाइंड द सीन की फुटेज में विंटर देखने को मिल चुकी है। अब ऑटम सीजन आता है, और सब लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और हैलोवीन की डेकोरेशन को देखकर जिसमें एक मैजिशियन बना होता है, पीटर को याद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, और वो उनसे हेल्प लेने जाता है। इसी के बाद हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है सैंटम सेंटोरम का। पूरा सैंटम सेंटोरम बर्फ से कवर हो चुका है, और उसकी रूफ इन्फिनिटी वॉर के टाइम जब हल गिरा था तब से टूटी हुई है। स्ट्रेंज सैंटम में स्नो को क्लियर करते हुए दिखते हैं, और वहीं पीटर उनसे कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम टाइम में पीछे जाएं और चीजों को चेंज कर दें। बट जैसे कि प्रोफेसर हल्क ने एक्सप्लेन किया था कि टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता, और टाइम में पीछे जाने से एक ब्रांच रियलिटी बन जाएगी, जिससे रिजल्ट वही रहेगा। मूवी का ये पोर्शन बेस है वन मोर डे कॉमिक स्टोरी लाइन पर, बट इस कॉमिक में मेफिस्टो भी इन्वॉल्व होता है। बट मूवी में हमें मेफिस्टो तो देखने को नहीं मिलने वाला, बट सिमिलर चीज दिखने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। सो पीटर की रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ये डिसाइड करते हैं कि वो मेमोरी इरेजिंग स्पेल को कास्ट करेंगे, जिससे सभी लोग ये भूल जाएंगे कि वो ही स्पाइडरमैन है। बट वॉन्ग स्ट्रेंज को मना करता है कि वो इस स्पेल को कास्ट ना करे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, और वो अपने बैग्स को पैक करता है और निकल जाता है एबोमिनेशन से फाइट करने के लिए, जैसा हमने शांग-ची मूवी में देख ही लिया है। और यहाँ सैंटम सेंटोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को कास्ट कर देते हैं। अब इस यूजर ने ये पहले ही बता दिया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में कॉफी मग होगा,
जिसमें ओ फॉर फॉक्स सेक लिखा होगा और ऐसा ही हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। यहाँ से पीटर और स्ट्रेंज बेसमेंट में जाते हैं और स्ट्रेंज पीटर का एक बाल लेते हैं स्पेल को कास्ट करने के लिए। यही सेम चीज हमें देखने को मिली थी थॉर रैग्नारॉक में। स्ट्रेंज अपना स्पेल को कास्ट कर ही रहे होते हैं कि पीटर बार बार उन्हें परेशान करता है कि क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि आंट मे, नेड और एमजे उसे ना भूलें, क्योंकि बहुत टाइम बाद पीटर और एमजे के बीच में चीजें अच्छी होना शुरू हुई हैं और पीटर उन्हें वापस खराब नहीं करना चाहता। बट इन्हीं सब की वजह से मल्टीवर्स खुल जाता है और सिनिस्टर सिक्स एमसीयू की रियलिटी में एंटर कर जाते हैं, जिसमें होते हैं ग्रीन गॉब्लिन, लिजर्ड, सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो और राइनो। ये सिक्स विलेन अटैक करते हैं न्यूयॉर्क पर, बट सून डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर उन सबको पकड़ लेते हैं। ग्रीन गॉब्लिन को छोड़कर स्ट्रेंज इन सबको प्रिजन में बंद कर देते हैं, जिस बात का पता पीटर को भी नहीं होता। ग्रीन गॉब्लिन उन सबसे जाकर मिलता है और लास्ट चीज जो उन्हें याद होती है कि उनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन ने उन्हें मार दिया है। ग्रीन गॉब्लिन उस प्रिजन को तोड़कर उन सबको बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें एक मैजिकल क्यूब लगा हुआ है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल को कास्ट किया हुआ था। अब ग्रीन गॉब्लिन पीटर के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए और वो पीटर को बताता है कि उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन उन्हें मार देता है, तो अगर वो वापस जाते भी हैं तो उन्हें उनकी डेथ ही फेस करनी पड़ेगी। सो देयर इज नो वे होम। पीटर को ग्रीन गॉब्लिन की बातें सुनकर काफी गिल्ट फील होता है और वो उस मैजिकल क्यूब को स्ट्रेंज से चुरा लेता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंज पूरी सिटी में स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और शायद नो वे होम के ट्रेलर में जो ट्रेन वाला सीन है वो इन्हीं सब सिचुएशन को दिखा रहा हो। और इन्हीं सब सीन्स के बीच हमें मिरर डायमेंशन एक बार फिर से देखने को मिलता है। मूवी की एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी खुद में ही कोलैप्स हो रही है, जैसे कि स्ट्रेंज की सोलो मूवी में भी देखने को मिला है। स्ट्रेंज अपने केप की हेल्प से पीटर को पकड़ लेते हैं और उसके एस्ट्रल को प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब इस एस्ट्रल के प्रोजेक्ट करने वाले सीन को हम लोग नो वे होम के ट्रेलर में भी देख चुके हैं और उस टाइम पीटर के हाथ में एक मैजिकल बॉक्स भी होता है। बट अब काफी देर हो चुकी थी और सारे विलन्स वापस से फ्री हो जाते हैं। अब एक मेजर लीक ये भी है कि ऑसबॉर्न एक आर्क रिएक्टर को चुराता है और उसे प्लेस करता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर एक बड़ी कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के एंड में हमें एक बड़े कैरेक्टर की डेथ भी देखने को मिलने वाली है, बट वो कंफर्म नहीं है क्योंकि मूवी की डिफरेंट एंडिंग्स को शूट किया गया है। और इस लीक के अकॉर्डिंग ही मैट मर्डॉक पीटर के लॉयर होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मूवी में टोबे मैग्योर और एंड्रयू गारफील्ड कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो मूवी में ही हैं, बट इस लीक में मूवी के सिर्फ फर्स्ट एक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आगे की लीक्स आती हैं तो वो मैं कंफर्म एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ये फैन थ्योरी कैसी लगी, या फिर आप बिलीव करते हो कि ये चीज हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो मुझे वहां भी फॉलो कर लेना। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Music. Can I be your superhero?